हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्सप्लेनेशंस ऑफ चैप्टर सेकंड ऑफ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड क्लास। सो आज हम सभी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन छोटा सा है, इजी है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अगर नहीं सीख पाए हो तो अभी सेकंड चैप्टर में सीखने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन आएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आप सभी के लिए, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको इसको रीड करना है, इसका हिंदी में सेंस निकालना है। इसका हिंदी में सेंस निकालने के बाद जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो उन्हीं को आपको अपने शब्दों में लिखना है जो भी इसमें बताया गया होगा। और सबसे पहली हेडिंग आती है बच्चों रेफरेंस। कौन सी हेडिंग आती है? रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और इसमें हमको लिखना होता है, मैंने आपको बता रखा है, सीधी सी याद कर लीजिए आप, दीज लाइन्स। These lines have been taken from the lesson. These lines have been taken from the lesson. अब आपको लिखना है उस lesson का नाम। उस lesson का नाम आप pen use करके लिख लीजिएगा, black जो भी pen आप use कर रहे हो। A fellow traveler, a fellow traveler, ये लिख लिया आपने। अब आगे इसके आप ऐड कर दीजिएगा रिटेन बाय, रिटेन बाय। ये ब्लू वाला जितना पार्ट है ये आप याद कर लीजिए, बाकी आप ब्लैक वाला जिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा आपको वही लिख देना है। ए जी गार्डनर, ये हो गया आपका दो नंबर। यहां तक आपके दो नंबर कवर हो जाते हैं। दूसरी चीज आती है आपकी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। और जो प्रसंग में आपको दुनिया की कहानी बिल्कुल नहीं लिखनी है, जो इसमें आपको समझ में आ रहा हो कि इसमें ये बताया गया वही लिख दीजिए एक लाइन में। बिल्कुल कहानी नहीं लिखनी है, जिस प्रकार गाइडों में लिखा रहता है, नोट्स मिलते हैं आपको उसमें लिखा रहता है, बिल्कुल भूल जाइए। जो इसमें बताया गया मैं वही लिखूंगा, मैं क्यों इधर उधर की बात लिखूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। अब ये तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये चैप्टर ही चल रहा है, लेकिन आप पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको लिखेंगे। सबसे पहले देयर इज अ प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। सेंस यानी सोच, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। अबाउट बीइंग अलोन, अबाउट बीइंग अलोन, अलोन यानी अकेला, इन अ कैरेज, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेलापन। प्रेजेंट सेंस अकेलापन की स्वतंत्रता कैसी होती है, ये एक डिब्बे में क्या महसूस कराता है इसके बारे में बताया गया है। That is jolting, जो कि jolting का मतलब होता है बेटा झटके देना, shock, sudden shock, ये जो कि झटके दे रही थी noisily यानी तेजी से through the night, through यानी संपूर्ण रात्रि के दौरान आवाज कर रही थी, झटके दे रही थी। कौन दे रही थी बच्चों? मैंने बताया था ट्रेन। It is liberty and unrestraint. लिबर्टी का मतलब होता है फुर्सतमय तरीके से एंड अनरिस्ट्रेंड, कभी ना थकने वाली। वो ट्रेन जो थी वो फुर्सतमय थी, कभी ना थकने वाली थी, इन अ वेरी एग्रीवल फॉर्म। एग्रीवल मतलब सहनीय तरीके से, मतलब उसने एक्सेप्ट कर रखा था कि वो ट्रेन कैसे चलेगी, कभी थकेगी नहीं, कभी भी वो बिजी नहीं होगी, मतलब फुर्सत रहेगी। यू कैन डू, तुम कर सकते हो एनीथिंग, कुछ भी यू लाइक, जो आपको पसंद है वो तुम इसमें कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको इसमें बताया गया कि एक डिब्बे में जब एक व्यक्ति स्वतंत्र रहता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो ट्रेन कैसी थी, झटके देने वाली थी पूरी रात्रि के दौरान और फुर्सत में थी, कभी न थकने वाली थी, मतलब सीधी सी बात की वो ट्रेन कैसी थी, पैसेंजर ट्रेन थी। तो इसमें बताया गया है हियर Here in these lines,
द राइटर टेल्स अस, हम सभी को बताता है अबाउट द फ्रीडम बीइंग अलोन, अबाउट द फ्रीडम बीइंग अलोन इन अ कैरेज ऑफ एनी ट्रेन या आप लिख सकते हैं यहां पर पैसेंजर या स्टॉपिंग ट्रेन भी यहां लिख सकते हो। यही तो बताया गया है कि वो बताया है कि स्वतंत्रता के बारे में जो आप अकेले होते हैं किसी भी डिब्बे में। तो आगे बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन में अगर मान लीजिए यहाँ पर चार लाइन है तो आप चार ही लिखिएगा, अगर आपके भाव थोड़े से भावुक है तो एक आध लाइन और ऐड कर दीजिएगा। मेरे तो नहीं है, मैं तो चार का ही लिखता हूँ, क्योंकि ज्यादा क्यों लिखूं, अगर पोएम होती तो आप ज्यादा लिख सकते हो, ये आपकी प्रोज है, इसलिए आप जितना लिखो बताया पूछा गया उतना ही आंसर दीजिएगा। चलिए इसके आंसर लिखते हैं। देयर द प्लेजर्स हैं, अब सबसे पहले तो आप स्टार्ट करिए कि लेखक कर क्या रहा था। व्हेन द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड बाय अ पैसेंजर ट्रेन। सबसे पहले तो बेटा किसी भी एक्सप्लेनेशन को आप लिखें तो पहली लाइन में आप वो बताइए जो इस चैप्टर में बताया जा रहा है। लेखक क्या कर रहा था, लेखक लंदन से मिडलैंड जा रहा था एक पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम ही सॉ, उसने देखा दैट की द ट्रेन वॉज टोटली वैकेंट यानी खाली, या ट्रेन हैज बीन हो चुकी है टोटली वैकेंट, ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है। सो ही टेल्स अस हिज सम व्यूज अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज He also tells us that we can do what we like. In a compartment of a train. जब ट्रेन खाली होती है तो हमें जो पसंद है वी कैन डू, हम कर सकते हैं व्हाट वी लाइक, जो हमें पसंद हो, इन अ कंपार्टमेंट डिब्बे में ऑफ अ ट्रेन, एक ट्रेन के वैन, जब इट इज वैकेंट वो खाली होती है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, वह ये भी वर्णन करता है अबाउट द ट्रेन, वह ट्रेन के बारे में भी बताता है। He also describes about the train that it is giving him. It is giving him. वह उसको दे रही थी sudden, SUDDEN, sudden shock, SHOCK. देखिएगा, that is jolting. Jolting का मतलब झटके देना, noisily through the night, sudden shock. Over the night, पूरी रात्रि के दौरान। It is liberty, वह फुर्सत में थी, unrestrained, कभी न थकने वाली थी। It
वॉच आ इट वॉच आ लेजरली इट इज लेजरली एंड कभी ना थकने वाली एंड अन वीकेबल अन वीकेबल ट्रेन इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म इन अ वेरी एग्रीबल कंडीशन। नेक्स्ट यू कैन डू हो गया खत्म हो गया ये तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं कहां पर ऊपर की लाइन में। अब आपको अगर और कुछ ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो इट इज या इट वॉज ऑल्सो अ स्टॉपिंग ट्रेन इट वॉज ऑल्सो अ स्टॉपिंग ट्रेन वह एक रुकने वाली ट्रेन भी थी। अब कुछ नहीं करना है जो इसमें था वो मैंने यहां लिख दिया है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर टू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आप एक एक वीडियो को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। नहीं आए तो बार बार मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स खाली रहता है उसको एक्सप्लेनेशन टू फेलो ट्रेवलर का। अभी हम लोगों ने देखा था एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जिसमें सीखा कैसे करते हैं इसमें भी सिखाऊंगा कैसे करवाता हूं। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पढ़ना है इसको पढ़ने के बाद रेफरेंस लिखना है। अभी तो आपको पता है कि चैप्टर कौन सा चल रहा है लेकिन एग्जाम में आया तो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि कौन सा है। आई फ्लेट हिम ऑफ आई यानी मैं फ्लेट हिम ऑफ फ्लेटिंग यानी हटाना झंकोर देना ऑफ माई नोट मेरी नाक से एंड ही मेरा टूर और ही मेर उसने बनाया आ टूर टूर यानी घूमना और द कंपार्टमेंट उस डिब्बे का मतलब जब मैंने उसको अपनी नाक से हटाया तो उसने डिब्बे में घूमना प्रारंभ कर दिया। इन्वेस्टिगेटेड यानी जांच पड़ताल करना इट्स थ्री डायमेंशन डायमेंशन यानी विमान विमान यानी तिखूटा इस तरीके से उसने अपने थ्री डायमेंशन में घूमना प्रारंभ कर दिया। विजिटेड यानी मिलना हर जगह जाना ईच विंडो प्रत्येक खिड़की पर गया फ्लटर राउंड द लाइट फ्लटर यानी मर रहा वह लाइट यानी जो सीएफए लगी हुई थी ट्यूबलाइट लगी थी उसके चार ओर भावराने लगा घूमने लगा डिसाइडेड दैट निर्णय कर लिया दैट की देयर वॉज नथिंग वहाँ कुछ नहीं है सो इंटरेस्टिंग मुझे ऐसा प्रतीत हुआ निश्चय कर लिया मैंने कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग यानी रोचक पूर्ण नहीं है एज दैट लार्ज एनिमल उस इंसेक्ट यानी मॉस्किटो के सामने मॉस्किटो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। इन द कॉर्नर उस कोने में केम वह आया एंड हैड अ लुक एट माय नेक और उसने लुक यानी देखा एट माय नेक और वो मेरी गर्दन की ओर देखने लगा पहले वो मेरी नाक पर बैठा फिर मेरी गर्दन की ओर देखने लगा जब मैंने उसको हटा दिया। अब आप सोचो कि कहानी नाक पर बैठना हटाना रेलगाड़ी तो अभी तक तो रेलगाड़ी दो ही चैप्टर में आई फर्स्ट चैप्टर में आई आपके आगर विदावास के वहां तो कुछ था ही नहीं ऐसा हटाने वाला तो ये आप दिमाग में लगा लीजिए कि आप कह लो ट्रेवलर रेफरेंस सेम एज बिफोर पहले के जैसा कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे इस पूरे पैराग्राफ में आपको किसके बारे में बताएगा मॉस्किटो के बारे में। तो हियर इन दीज लाइंस द राइटर डिस्क्राइब द एक्शंस यानी क्रियाकलाप या एक्टिविटी The activity of an insect that is mosquito क्लियर यही बताया अब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ एक्सप्लेनेशन आप आइएगा एक्सप्लेनेशन पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शुरू है आई फ्लेट हिम ऑफ माई नोज
अब पहली तो आपको वही लिखना है, व्हेन द राइटर वॉज गोइंग, व्हेन द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम, कहाँ से, लंदन से, कहाँ को, मिडलैंड, मिडलैंड बाय अ, किससे, पैसेंजर ट्रेन, वेरी नाइस, बाय अ पैसेंजर ट्रेन, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर एन इंसेक्ट दैट इज मॉस्किटो केम एंड सेट, आया और बैठ गया ऑन द राइटर्स नोज। ये आपको याद करना पड़ेगा, तब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, नंबर ऐसे ही मिलते हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाओ, इसके बाद आप इस पर याद रहिएगा। जब नोज पर बैठ गया, ही फ्लिप्ड हिम ऑफ फ्रॉम हिज नोज, रिमूव्ड, लगा दीजिए, हटाना, उसने अपनी नाक से उसको हटा दिया, एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, एंड द मॉस्किटो मेड अ विजिट टू द होल, यानी पूरे कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे की उसने एक यात्रा करना शुरू कर दी। ही कंपार्टमेंट एंड ऑल्सो विजिटेड ईच एंड एवरी विंडो, ईच एंड एवरी विंडोज, कॉमा, कॉर्नर्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्रेन। देखिए गया आपसे, नाक पर जब बैठा एंड ही द मॉस्किटो मेड अ विजिट, उसने यात्रा प्रारंभ कर दी, अपनी टूर प्रारंभ कर दिया टू द होल कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे में, एंड ऑल्सो विजिटेड, और मिला गया ईच एंड एवरी, प्रत्येक विंडो यानी खिड़की पर, कॉर्नर, हर कोने में, एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्रेन, और उस रेलगाड़ी के सभी भागों में। तो यहां तक की बात खत्म हो गई। फ्लटर डाउन द लाइट इट ऑल्सो मेड अ मूवमेंट राउंड द ट्यूब लाइट ऑफ द ट्रेन नॉइजली। नेक्स्ट, देयर वर नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल, सो द राइटर थॉट दैट, लेखक ने सोचा, दैट नथिंग, कुछ भी, नथिंग इज सो इंटरेस्टिंग, नथिंग इज सो इंटरेस्टिंग फॉर हिम, कुछ भी उसके लिए रोचक नहीं है, फॉर हिम देन दैट ऑफ मॉस्किटो, देन दैट ऑफ मॉस्किटो का मतलब इस मच्छर की तुलना में, फॉर हिम उसके लिए इंटरेस्टिंग रोचक नहीं है, सो इतना, या आप यहां पर एज का भी प्रयोग करके बना सकते हो, क्योंकि वहां हमने सो का यूज किया, इसलिए एज का यूज यहां करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव डिग्री में बनाया है। केम एंड हैड अ लुक इट अगेन केम नियर टू हिम एंड लुक एट हिज नेक,
क्लियर, यहां तक की बात थी, इतना ही लिखना है आगे आप लिख सकते हो ही अगेन अटैक्ड ओवर द राइटर। लेकिन ये आपके नेक्स्ट पार्ट में आएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आते चले जाएंगे इसके बाद। टोटल आपको 4 एक्सप्लेनेशन कराऊंगा इस चैप्टर में, इसके बाद शॉर्ट आंसर होंगे वो तो चलते ही रहेंगे। ये आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर से वही बात कमेंट बॉक्स फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।